नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है हमारे YouTube चैनल डाउट्स में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोग को दशमलव का भाग करने के लिए बताने वाला हूं। तो देखिए यहां पे दोस्तों 1.4 से हमें 7 में डिवाइड करना है, तो हम लोग कैसे करेंगे। 1.4 से हम लोग कैसे कर सकते हैं डिवाइड, 1.4 से हम लोग 7 में डिवाइड कैसे करेंगे, ये बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है इसे बनाने में। 99% लोग इसे बनाने में असफल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम होती है। तो आज के इस वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहें। दूसरा एग्जांपल दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए देखना, तो दूसरा एग्जांपल आप लोग जरूर से ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग पहला एग्जांपल 1.4 से हमें 7 में डिवाइड करना है। तो इसमें देखिए दोस्तों, इसे हम लोग डायरेक्टली डिवाइड नहीं करते हैं, इसे हम लोग डिवाइड करने के लिए करते क्या हैं कि आपको मेन चीज़ ये देखना है कि यहाँ पर देखिए पॉइंट के जो है दोस्तों इधर कितनी संख्या है। ठीक है, पॉइंट के इधर कितनी संख्या है। ठीक है दोस्तों, पॉइंट के इधर हमारा कितना संख्या है, एक संख्या है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्या करेंगे यहाँ पे देखिए कि ये जो 1.4 है, सॉरी दोस्तों, ये जो 1.4 है इसको भी हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको भी हम लोग, ये जो 7 है इसको भी हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना है, आप लोग को दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, किसी एक को आपको मल्टीप्लाई नहीं, इसको भी करेंगे और इसको भी करेंगे, ताकि आप लोग का चेंज ना हो कोई भी चीज़। इसको सॉल्व करने के लिए आपको यही करना होता है दोस्तों। देखिए सबसे पहले देखना है कि पॉइंट कितना है। ठीक है, एक संख्या के बाद पॉइंट है, तो आप लोग क्या कीजिएगा कि इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर दो संख्या के बाद पॉइंट रहेगा तो हम लोग उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों में इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए आप लोग इसे कैसे करेंगे। तो 1.4 को अगर हम लोग 1.4 को देखिए दोस्तों, 1.4 को 1.4 को अगर हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 14। ठीक है, और अगर 7 को अगर हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 70। तो अब देखिए हम लोग जो नया वाला डिवाइड करेंगे दोस्तों, इसका सामान एक ही है दोस्तों। ठीक है, लेकिन इसका बनाने का रूल जो है ऐसे आप इसको करके बनाया जाता है। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लोग 1.4 से 7 में नहीं, बल्कि हम लोग 14 से इस 70 में डिवाइड देंगे। ठीक है दोस्तों, ये इसका मेन रूल है, 14 से अब हम लोग इसको 70 में डिवाइड देंगे। ठीक है दोस्तों, 14 से हम लोग 70 में डिवाइड देंगे। तो देखिए 14 से हम लोग 70 में डिवाइड देंगे। ठीक है, तो 14 से हमारा 70 दोस्तों कितने बार में जा रहा है आप लोग पहाड़ा पढ़ लीजिए। तो 14 14 2 28 14 3 42 14 4 56 14 25 70, तो दोस्तों ये 5 बार में हमारा 70 कट गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 5। इसको आप लोग इसका आंसर 5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन सॉल्व आपको ऐसे ही करना होगा, अगर आप लोग को सॉल्व करने के लिए वैसा आ जाए तो आप लोग को सबसे पहले मल्टीप्लाई करना होगा। अगर एक संख्या के बाद दशमलव है तो आपको 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, दो संख्याओं के बाद दशमलव है तो उसको 100 से, अगर तीन संख्याओं के बाद दशमलव है तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। देख लिया दोस्तों, इसे हम लोग देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सेवन को अगर हम लोग 1.4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोग को इस वीडियो में 3 एग्जांपल के साथ बताऊंगा, तो इन तीनों एग्जांपल्स को आप लोग को देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पहला एग्जाम्पल मैंने आप लोग को कॉन्सेप्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा आसान ले लिया था, तो अब चलिए दोस्तों हम लोग दूसरा एग्जाम्पल्स को लेकर सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, मैंने दूसरा एग्जाम्पल ले लिया है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इसको आप लोग को देखकर कहीं डर लग रहा होगा कि इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, आप लोग किसी भी क्वेश्चन को देखकर के डरा मत कीजिए, सभी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सभी चीज़ पॉसिबल है। तो देखिए इसे हम लोग कैसे बना सकते हैं, सिंपल तरीके से आपको जो मैंने स्टेप्स बताए थे, सबसे पहले आपको उस स्टेप्स का फॉलो करने हैं। क्या करना है कि आपको देखना है कि दशमलव के इस साइड कितना संख्या है। दशमलव की साइड हमारा कितना संख्या है दोस्तों, तो आप लोग देख सकते हैं दशमलव के इस साइड हमारा यहाँ पे 2 संख्या है। इसका मतलब आप लोग को ये पता चल चुका होगा कि इसमें हम लोग को क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2.36 में भी हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, और ये जो 7.08 जो है इसमें भी हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें भी हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको जब हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा 236। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 236, और ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7.08,
और इसका 2-0 बढ़ जाएगा। जैसा कि आप लोग को दोस्तों, अगर आप लोग को 100 से गुना करने नहीं आता है ट्रिक के माध्यम से, तो मैं आप लोग को इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। मैंने उसका वीडियो पहले बता दिया है, उसमें आप लोग को बताया है कि आप लोग किसी भी संख्या में 100 और 1000 से मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं मात्र 2 सेकंड में। 2 सेकंड भी नहीं लगेगा दोस्तों, आप लोग बहुत ही कम समय में कर सकते हैं। तो उस वीडियो को आप लोग ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आपको आई बटन में मिल जाएगा या तो उसका एंड स्क्रीन में कहीं पर भी आपको ज़रूर मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, अभी हम लोग करते हैं। अब देखिए, आप लोग को यहाँ तक आपने कर लिया, तो मैंने आपको क्या बताया था कि अब आपको इससे इसको नहीं मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, अब आपको क्या करना है, इससे इसको आपको डिवाइड करना है। ठीक है, 236 अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग इसे करते हैं। 236 से हम लोग करेंगे कितना में दोस्तों, 70 और 800 में। ठीक है, तो चलिए करते हैं। कितना था दोस्तों हमारा, 236 से इतना था। ठीक है दोस्तों, यही नंबर था वो। ठीक है, चलिए इसे हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, इसे हम लोग को अब डिवाइड करना है। ठीक है, तो इसे देखिए, आप लोग को देखना है कि ये कितने बार में लगेगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसे कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। तो देखिए, ये हमारा दोस्तों कितने बार में जा रहा है, ये हमारा 3 बार में चला जाएगा, 708। ठीक है, 708 ये हमारा 3 बार में चला जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि जब हमारा ये कट गया है जो नंबर दिया हुआ है, तो अब हमारे यहाँ पे 2-0 बचा है। इस प्रकार के क्वेश्चन को आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल से आपको करना क्या है, 0 यहाँ पे जितना भी बचा हुआ है उसको सिंपल से आपको यहाँ पे उतार देना है और आपका दोस्तों सिंपली से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं दोस्तों हमारा यहाँ पर आंसर कितना आ गया, 300। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप लोग किसी भी बड़े से बड़े डिवाइड को, अगर दशमलव संख्या से अगर आप लोग को किसी भी नेचुरल संख्या में डिवाइड करना है, तो इसी ट्रिक को अप्लाई करके आप बना सकते हैं। अब देखिए क्या होगा दोस्तों, अगर हम लोग 2.36 से अगर 708 में अगर हम लोग भाग करेंगे, तो हमारा आंसर कितना जाएगा, 300। यहाँ पर हम लोग इसका आंसर 300 लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ रही होगी। तो चलिए मैं आप लोग को लास्ट एग्जांपल लेना चाहूँगा दोस्तों, जो कि सबसे मेन एग्जांपल है, आप लोग इसे ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा लास्ट एग्जांपल, इसे आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे इस वीडियो में आप लोग को बहुत ही आसान तरीके से बताऊँगा। तो देखिए इसे आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे, आप लोग को वही स्टेप्स फॉलो करने हैं जो मैंने आपको बताया। सबसे पहले आपको देखना है कि दशमलव से इधर कितना संख्या है, दशमलव से इधर आपका कितना संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो दशमलव से इधर हमारा कितना संख्या है, आप लोग देख सकते हैं इधर हमारा कितना संख्या है, 3 संख्या है, 3 संख्या है। तो सिंपली से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग इन दोनों में 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, इसका भी 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसका भी 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए इसे हम लोग करते हैं, 3.926 को अगर हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3926। ठीक है, आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखिएगा दोस्तों, मल्टीप्लिकेशन वाला, कि 100 और 1000 से किसी भी संख्या में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, 7852। अगर हम इससे अगर 1000 को मल्टीप्लाई करें, तो कितना आ जाएगा, 7852 और यहाँ पे 3 0। ठीक है, ये आपका नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप लोग को क्या करना है, मैंने जैसा बताया था इससे आप लोग अब इसमें डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग उससे इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। ठीक है दोस्तों, और आप लोग का आंसर चुटकियों में लेकर के आते हैं। तो देखिए दोस्तों, चलिए इसे हम लोग कर लेते हैं जल्दी से। अब देखिए दोस्तों, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, 3.926 से हम लोग डिवाइड, सॉरी दोस्तों यहाँ पर पॉइंट ये हट जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 7852 00। ठीक है, यहाँ पे 3 0 हो जाएगा। अब इसको अगर हम लोग इसको अगर इससे में डिवाइड करें कि ये कितने बार में कटेगा, तो ये दोस्तों हमारा 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये हमारा 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इतना हमारा सिर्फ 2 बार में कटेगा। ठीक है दोस्तों, इतना हमारा 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए, मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि यहाँ पे जितना भी 0 बजे उसको आपको सिंपल से आंसर में उतार देना है। तो यहाँ पे हमने 3 0 उतार दिया, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, इस डिवाइड का यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2000 इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप लोग किसी भी डिविजन को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।
तो अगर आप लोग की वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा होगा और अगर ये वीडियो आप लोग की थोड़ी सी भी हेल्प की होगी तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। और दोस्तों अगर आप लोग को मैथ्स में कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक उसे हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर मैं आपको गारंटी देता हूँ कि उसकी वीडियो आप लोग को जल्द से जल्द और बहुत ही आसान वे में आप लोग को मिलेगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे कैसे और नया वीडियो डिस्कस करके, तब तक के लिए धन्यवाद।